मैं मुफ्ती जुबैर अगर आपसे इब्तदा करूं इस बात की, तो ये माशरा जो है ये इतना सुन्न क्यों हो गया है कि किसी को देख के मदद करना, हेल्प करना, खड़े होना, ये मतलब कि क्यों हो गया है? मोहल्ले में हमसाए के बच्चे को भी मैं कुछ नहीं कह सकता, हमसाए के घर मौत हो जाए मैं अपना सहन नहीं दे सकता उनको कि वो यहाँ तंबू लगा ले। ये इतनी जुदाइयाँ माशरे में हमने कैसे पैदा कर ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बिलाल भाई, दो बातें इसके अंदर बड़ी काबिल गौर है। सबसे पहली बात तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बुराई देखो तो हाथ से रोको, नहीं तो जुबान से, नहीं तो कम अज कम दिल से। एक तो बुराई देखते हुए उसको खत्म करना, उसकी कोशिश करना कि मजलूम को, मखदूम को और जिसको सताया जा रहा है उसको हम मदद फराहम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसुर आखा का वाली बनो मजलूमा, कि तुम जालिम और मजलूम दोनों की मदद करो। सहाबा ने पूछा, मजलूम की मदद तो समझ में आती है, जालिम की मदद का क्या मतलब है? फरमाया कि इसका मतलब ये कि उसको जुल्म से रोको, उसको एहसास दिलाओ तुम्हारा चेहरा कितना मकरूह, कभी और बदतरीन किस्म का है और तुम कितना घटिया काम कर रहे हो। बिलाल भाई, आपने कहा ये बताना चाहिए मुफ्ती जुबैर, ये बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए ना। ये बात मैं हाकिम को बता सकता हूँ, ना मिंबर को बता सकता हूँ, मैंने किसको बतानी है? फकीर को, रेडी वाले को, किसको बतानी है ये बात? जी, ये जुर्रत और हिम्मत हम में से हर एक को पैदा करनी चाहिए। और ये बताने वाला उम्मीद का चराग है, हिदायत का मुखलिस चराग है, ये अपना काम करता रहे। दिया टमटमाना चाहिए, दिया बहरहाल जलते रहना चाहिए, इसी से बाकी दिए चराग रोशन होते चले जाएंगे। बिलाल भाई, एक बात मैं ये जरूर जिक्र करना चाहता हूँ कि इस जैसा जो माहौल अभी बना, और जैसा कि आपने इंट्रो के अंदर भी कहा कि इतनी बड़ी दरिंदगी, सफाकियत और बर्बरियत का वाकया मोटरवे पर पेश आया, इसका जिम्मेदार देखिए, इसमें दो बातें हैं, एक है लॉन्ग टर्म और एक है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म तो ये है, जैसा कि आज सारे के सारे लोग बोल रहे हैं, सजा दो, तख्तेदार पे लटकाओ, बरतर आम दे दो, बिल्कुल सही है। इस्लाम भी ये कहता है, अगर बाकायदा तौर पर काजी को ये मुनासिब माहौल लगे कि इबरत नहीं आ रही, लोगों के अंदर डर और खौफ नहीं आ रहा, चौक पे लटकाना चाहिए, रोंगटे खड़ी कर देने वाली सजा देनी चाहिए, सारे के सारे लोगों में वहशत खौफ पैदा हो जाए, आइंदा जुर्म के करीब कोई भी ना जाए, यकीनन ये काम करना है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर क्या करना है? वालिदैन, आपने वालिदैन का बड़ा खूबसूरत तذکرہ किया कि वो बच्चों की कैसी तरबियत किया करते थे, स्कूल, टीचर, स्टेक होल्डर, मुकन्निना, अदालत, रियासत, स्कूल के असातिज़ा इकराम, खानदान के बुजुर्ग, मोहल्ले के बुजुर्ग, ये सारे के सारे जब तक किरदार नहीं अदा करेंगे ये मुताफन माहौल खत्म नहीं होगा। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा जुबैर भाई, एक सेकंड रुकिएगा।